हेलो दोस्तों, एच डी फैशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ये OTG कवर। तो इस कवर को मैंने कॉटन फैब्रिक पे बनाया है और साथ ही मैंने दोनों तरफ पॉकेट्स दी हैं। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम पॉकेट्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं पॉकेट्स के साइडों में ऊपर की तरफ यानी कि पट्टी लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की अक्रॉक्स पट्टी ली है और इसे कट कर अब मैं पीछे की तरफ लगा रही हूँ और इसे सीधी तरफ पलटूंगी। मेरे चैनल पर आपको मशीन कवर की स्टिचिंग का वीडियो भी मिलेगा, जाके ज़रूर देखना। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पे ये स्टिच हो चुकी है पट्टी, अब हम इसे फ्रंट की तरफ पलटेंगे। इस कवर को सिलना बहुत ही आसान है और ऐसे ही आप सेम फ्रिज के लिए भी सिल सकते हैं। साइज़ मेजर कर लीजिए और कितनी पॉकेट चाहिए उस अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ और ये पॉकेट का साइज आपका है 13x15 इंचेस। तो अब मैंने ये मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिए हैं और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक का साइज है 13x44 इंचेस और यहाँ पॉकेट का साइज है 13x15 इंचेस। तो आप अपने OTG या ओवन के अकॉर्डिंग साइज मेजर कर लेना और उसे रेडी कर लेना। तो यहाँ पर ये पॉकेट ऑलमोस्ट स्टिच हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि आपको आगे करना क्या है। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी रेडी कर लिया पॉकेट। मैंने दोनों तरफ पॉकेट रखे, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। यहाँ पर मैंने फिर से एक बार पट्टी ली है 1.5 इंच की और इसे मैं अब मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरी कंप्लीट लिया है यानी कि 44x13 इंचेस के अकॉर्डिंग आप पूरी एक पट्टी ले लेना, डबल में आएगी, ठीक है। और इसे कुछ इस तरीके से स्ट्रिच कर लेना और यहाँ पर भी सेम जैसे हमने पॉकेट पे लगाई है वैसे ही लगानी है। आप चाहो तो इसे डबल भी कर सकते हो लाइनिंग के साथ, या इसमें कुछ और ऐड कर लो, फ्यूजिंग या पेस्टिंग ऐड करके थोड़ा थिक कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हम फिर से इसे कट करेंगे और फोल्ड कर लगा लेंगे।
तो ये पट्टी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट होने वाली है और इसका लुक कुछ ऐसे लगने वाला है कंप्लीट होने के बाद। देखो ये पूरी रेडी हो चुकी है। आप चाहो तो बीच में पार्टीशन भी दे सकते हो पॉकेट में, तो ये पहले ऐसे था और अब ऐसे है। तो कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।